हाथरस के सत्संग कांड में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लाशों के ढेर लग गए। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे रहे। आरोपी भोले बाबा को लेकर कई खुलासे हुए। एक तरफ मासूम के मौत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें लोगों की चीख पुकारे सुनाई दी। दूसरी ओर भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि आलिशान आश्रम की तस्वीरें भी सामने आईं। कैसे भोले बाबा लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं? पिछले कई दिनों से सवाल यही चल रहा है कि आखिर आरोपी भोले बाबा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार बाबा कहां जाकर छिपा बैठा है? सरकार के आदेश के बाद इस मामले में जांच तो जारी है, पर पीड़ित परिवारों का हाल काफी बुरा है। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी। कई घरों का हाल तो ऐसा हो गया है कि घर की रोजी रोटी चलाने वाला मेन मुखिया ही उनके बीच अब नहीं रहा। इस बीच आज पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। राहुल गांधी ने नबीपुर के ग्रीन पार्क में सत्संग कांड में मरने वालों के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सत्संग में हुई भगदड़ के दौरान मरने वाले लोगों के परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एक बच्ची राहुल गांधी को गले लगाकर फपक फपक कर रोने लगी। राहुल गांधी से मिली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी नम आंखों से उनको बताया कि कैसे इस हादसे में उनके परिवार की जिंदगी बदल दी। परिवार वालों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों का नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है ही और गलतियां हुई हैं, मुआवजा सही मिलना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई है, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? परिवार ने बड़ी बात कही है, बताइए। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी, राहुल भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो। मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो। जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की, मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? कार्रवाई नहीं हुई सर। जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ।